देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। उत्तर प्रदेश में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन अभी सियासी दलों ने मोर्चेबंदी तेज की हुई है। सियासी वार पलटवार का दौर तेज हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी आज यूपी के अलीगढ़ से चुनावी शंखनाद किया है। अलीगढ़ में राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नाम पर यूनिवर्सिटी और डिफेंस कॉरिडोर के शिलान्यास के साथ ही पीएम ने विपक्ष पर जमकर हमला बोला है। इस दौरान पीएम मोदी ने सीएम योगी की तारीफ करते हुए विरोधियों को भी आड़े हाथ लिया। वहीं विपक्षी नेताओं ने भी एक के बाद एक केंद्र और यूपी सरकार पर निशाना साधा। यूपी में आज के सियासी वार पलटवार की आपको 5 तस्वीरें भी दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले इस वक्त आप तस्वीरें देख रहे हैं किस तरह से अलीगढ़ में बीजेपी ने अपनी मौजूदगी दर्ज करवाई है। उत्तर प्रदेश में चुनाव आते आते अब सियासी घमासान भी अपने उफान पर है, बड़ी तेजी नजर आ रही है। और इस वक्त चुनावी पिच पर अब धीरे धीरे जहां बीजेपी एक्टिव हो रही है, वहीं दूसरे विरोधी दल भी बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। पांच तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं प्रधानमंत्री। पहली तस्वीर में दिख रहे हैं आपको जिन्होंने यूपी में योगी सरकार की तारीफ करते हुए राज्य में कानून का राज होने का दावा किया है। दूसरी तस्वीर योगी आदित्यनाथ की है जिन्होंने अलीगढ़ की रैली में दूसरी सरकारों के भ्रष्टाचार पर वार करते हुए अपनी सरकार के काम गिनाए। तीसरी तस्वीर राहुल गांधी की है जिन्होंने ट्वीट के जरिए योगी आदित्यनाथ पर तंज कसा। तो वहीं चौथी तस्वीर अखिलेश यादव की है जिन्होंने यूपी सरकार को बुलडोजर सरकार बता दिया है। और पांचवी तस्वीर असदुद्दीन ओवैसी की है जिन्होंने यूपी सरकार पर मुसलमानों की अनदेखी का आरोप लगाया। और सबसे पहले हम आपको पीएम मोदी की वो बात सुनवाते हैं जिसमें उन्होंने योगी आदित्यनाथ की तारीफ की और यूपी में कानून का राज होने का दावा किया। दौर था जब यहां शासन प्रशासन गुंडों और माफियाओं की मनमानी से चलता था, लेकिन अब वसूली करने वाले, माफिया राज चलाने वाले सलाखों के पीछे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी अलीगढ़ में मंच से इस बात का दावा किया कि यूपी में पिछली सरकारों की तुलना में बीजेपी सरकार में कहीं ज्यादा विकास हुआ है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद और मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश 8 नए विश्वविद्यालय के साथ वर्तमान में प्रदेश के अंदर कार्य कर रहा है। सहारनपुर में मां शाकंभरी के नाम पर एक राज्य विश्वविद्यालय का निर्माण प्रस्तावित है। प्रदेश का पहला स्पोर्ट्स विश्वविद्यालय मेरठ में प्रदेश सरकार ने प्रस्तावित किया है। सरदेव अटल जी के नाम पर लखनऊ में मेडिकल यूनिवर्सिटी का निर्माण कार्य और अभी 3 दिन पहले प्रयागराज की धरती पर राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय का शिलान्यास देश के माननीय राष्ट्रपति जी के कर कमलों से संपन्न हुआ है। भाइयों बहनों, 2007 से लेकर के 2017 तक उत्तर प्रदेश के किसानों को मात्र गन्ना किसानों का 95,000 करोड़ रुपए का गन्ना मूल्य का भुगतान हुआ और 2017 से लेकर के अब तक 1,43,000 करोड़ रुपए का गन्ना मूल्य का भुगतान अब तक सरकार कर चुकी है। कोरोना कालखंड में चीनी मिलों का अनवरत चलाया गया। और इधर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी यूपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने योगी सरकार पर सवाल उठाते हुए यूपी सरकार को बुलडोजर वाली सरकार बता दिया। अखिलेश यादव ने अयोध्या में गरीब लोगों का घर बुलडोजर से तोड़ने का आरोप लगाते हुए समाजवादी पार्टी की सरकार बनने पर तोड़े गए घरों को दोबारा बनाने का भी वादा किया। सरकार को अपना चुनाव चिन्ह बुलडोजर रख लेना चाहिए। ये सबसे बड़ी उपलब्धि सरकार की है कि इनका पास बुलडोजर है। बुलडोजर में स्टीयरिंग होता है। अभी बुलडोजर इधर चल रहा है, स्टीयरिंग घूम जाएगा तो बुलडोजर किधर चलेगा। और जो अधिकारी चुपचाप ये कानून कागज पे घुमा रहे हैं, समाजवादी ने सूची बनाई है, अधिकारी ये ना समझे कि बच जाएंगे।
अगर किसी की जिम्मेदारी है तो अधिकारी की भी जिम्मेदारी है। जो लोग 100 साल से रह रहे हो, 90 साल से रह रहे हो, उनका घर पे बुलडोजर चला दुआ। यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार पर अखिलेश यादव के इस हमले, बीजेपी नेता राकेश त्रिपाठी ने उन पर पलटवार किया। अखिलेश यादव जी को आज बहुत पीड़ा हो रही है कि जिस तरह से अपनी शासन सत्ता के समय में उन्होंने तमाम माफियाओं के, अपराधियों की संपत्तियों को बनवाने का काम किया था, आज योगी आदित्यनाथ जी उनके किए कराए पर पानी फेर रहे हैं। आज जब बुलडोजर चला करके 1600 करोड़ की संपत्तियों को हमने जब्त करने का काम किया है, नेस्तनाबूत करने का काम किया है, ये गरीबों की कमाई को, गाढ़ी कमाई को लूट करके, खसोट करके इकट्ठा की गई माफियाओं की संपत्ति थी जिसमें अखिलेश यादव जी का हिस्सा था। इस नाते आज उन्हें पीड़ा हो रही है कि उनकी सरपरस्ती में तैयार की गई इन संपत्तियों को आज बुलडोजर लगा के ढा रहे हैं। लेकिन अखिलेश जी, आप कितनी भी चिंता व्यक्त करिए, उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार का ये बुलडोजर थमने वाला नहीं है। ये कानूनी रूप से जिन लोगों ने भी संपत्तियों को लूटा है, खसोटा है, उनके ऊपर ये बुलडोजर चलता रहेगा। और इधर कांग्रेस